नमस्कार, मैं नियाज खान। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटे से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चर्चाओं में छाई हुई है। इसके पीछे की वजह एक तस्वीर है, पहले आप उस तस्वीर को गौर से देखिए, इसके बाद हम आपको इसके पीछे के किस्से कहानियों से वाकिफ कराएंगे। आपने तस्वीर देख ली, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा और गौर से देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा भी नजर आएंगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि एक पेपर की कटिंग है, लेकिन इस तस्वीर पर ही सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। स्मृति ईरानी को इसी तस्वीर को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिस वजह से स्मृति ईरानी चर्चाओं के केंद्र में आ गई हैं। चलिए आपको बताते हैं। जिस तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तस्वीर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए क्रेडिट को लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके कैप्शन में लिखा है, फोटो मैंने खींची और क्रेडिट एएनआई को गए। अब स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी जमकर मौजी गुब्बारा फोड़ने लगे। कोई कहने लगा हम धरना देंगे, तो एक यूजर ने भी लिखा एएनआई ज्वाइन कर लिया क्या, जिस पर स्मृति ईरानी ने भी जवाब देते हुए लिखा बस यही रह गया था जीवन में, तो किसी ने लिखा फैक्ट चेक होना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। स्मृति ने भी रोचक अंदाज में लोगों को रिप्लाई करती हुई नजर आई। थोड़ी देर में ट्विटर पर हैशटैग स्मृति ईरानी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। वहीं एनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने स्मृति ईरानी के ट्वीट पर फिल्मी अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। वहीं मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह तो सरासर गलत बात है, आप साधारण नागरिक होते हुए एक ऐतिहासिक फोटो की क्रेडिट ले रहे हो और उधर राजकुमार राजकुमारी ने एक ऐतिहासिक पार्टी फूंक दी फिर भी आज तक क्रेडिट नहीं ली। इस पर स्मृति ईरानी जवाब देती हैं, सर आप मेजर हैं, आपसे माइनर बातों में क्या उलझना। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, और इस फोटो को शब्द मैंने दिए हैं। उन नामों को आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो वहीं रेणुका नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, शानदार फोटोग्राफी है आपकी। खैर, इस तरह के कमेंट से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। आपको बता दें कि ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की है, जिस दौरान स्मृति ईरानी ने इस खास नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। बहरहाल, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने क्रेडिट को लेकर नाराजगी जाहिर की है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।